कितना चिंताजनक है ये। दिल्ली में मंकी पॉक्स के पहले केस से मचा हड़कंप, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। 31 साल के मंकी पॉक्स के मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। सिर्फ ब्रेकिंग, दिल्ली को मिलाकर भारत में अब मंकी पॉक्स के 4 केस। मंकी पॉक्स का मरीज दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं, एक और बड़ी खबर है। इस वक्त दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है, सीधे मैं आपको दिखाता हूं। दिल्ली में मंकी पॉक्स के मरीज के बाद स्वास्थ्य विभाग की हलचल, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की हाई लेवल मीटिंग। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता, कैसे देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ Money9 पर, अभी डाउनलोड करें। बैठक में जॉइंट्स हेल्थ सेक्रेटरी समेत कई बड़े अधिकारी, बैठक में डायरेक्टर NDC NCDC भी शामिल। ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग, शॉर्ट से ही, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग के साथ मैं कुमार कुंदन के पास चलूंगा। कुमार कुंदन तुरंत बताइए मुझे अभी क्या हालात हैं, सिर्फ ब्रेकिंग, अभी क्या हालात हैं और क्या अपडेट आ रहा है। एक हफ्ते में दूसरी बड़ी बैठक सरकार कर रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति की गंभीरता कितनी है। खास करके WHO ने जब इसको लेके अपनी घोषणा शुरू कर दी है, पिछले हफ्ते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में इसको लेकर बैठक हुई थी और आज की जो बैठक है वो और ज़्यादा अहम है। और खास करके आज के इस बैठक में NCDC के डायरेक्टर को बुलाया गया है जो कि संक्रामक रोग विशेषज्ञ है, और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इसका फैलाव कितना बड़ा हो सकता है, कितना ज्यादा हो सकता है। दिल्ली के पेशेंट में मुझे एक बात बताइए, हालांकि दिल्ली के पेशेंट की खबर जो है, मैं जाऊंगा यहां पर, सिर्फ एक बार दिल्ली वाली खबर रखे बीच में, सिर्फ ब्रेकिंग रखेगा, इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फिर इसको कैसे हो गया, कुछ समझ में आ पा रहा है? देखिए अभी तक इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, नोडल हॉस्पिटल दिल्ली के लिए जो है LNJP को बनाया गया है और उसी हॉस्पिटल में इसको रखा गया है। यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके पास आया कहां से, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया जो कि विदेश से आया हो या फिर अफ्रीका से आया हो, खास करके क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा पाया जा रहा है। अभी तक कोई कंक्लूजन पे कोई भी नहीं पहुंचा है, लेकिन इतना तय है कि इसको लेकर जितने भी एक्सपेरिमेंटल और जितने भी प्रूफ है उसको जुटाए जाने की कोशिश की जा रही है, और सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस क्वारंटीन सिस्टम में डाल के जल्दी से जल्दी पहले पेशेंट को रिकवर किया जाए और साथ में इसके और फैलाव को कैसे रोका जाए इसके लिए रणनीति तैयार की जाए। निशांत, आप जो बता रहे हैं मैं सीधे आऊंगा यहां पर बिग वॉल पर, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है दिल्ली के लिहाज से, दिल्ली सावधान हो जाए, मंकी पॉक्स की एंट्री हो चुकी है। मंकी पॉक्स दिल्ली में 31 साल के शख्स में मंकी पॉक्स का पहला केस से हड़कंप मच गया है। नंबर 1, मरीज में बुखार और त्वचा पर घाव जैसे लक्षण देखने पर LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से, दिल्ली में मंकी पॉक्स के मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यह हैरान करता है। पिछले 8 दिनों में मंकी पॉक्स के 3 केस मिलाकर भारत में कुल 4 केस हो गए हैं। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मरीज कोल्लम में 12 जुलाई को मिला था। WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। भारत समेत पूरी दुनिया में मंकी पॉक्स के कुल 16,886 केस हैं, करीब 75 कंट्रीज में। मैं सीधे चलूंगा, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिएगा इस वॉल के साथ, दोनों ब्रेकिंग, नो शॉट्स। आप मेरे साथ अंशुमन सर हैं, डॉक्टर अंशुमन सर, ये क्या हो रहा है, ये कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्या ये समझा जाए दिल्ली में अब ये इजिली स्प्रेड हो सकता है, क्या समझा जाए सर, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। निशांत जी, इसके कम्युनिकेबल डिजीज के ट्रांसमिशन के मेथड पे हमें समझना होगा। मंकी पॉक्स नाम तो दिया गया, लेकिन 2015 की हमारी अंडरस्टैंडिंग थी इंटरनेशनल कि किसी भी ज्योग्राफिक कंट्री एनिमल फूड के नाम पे किसी बीमारी का नाम नहीं दिया जाएगा, जिसका सुधार हो जाना चाहिए था, अभी तक हुआ नहीं है। बहरहाल इसमें अगर ट्रेवल हिस्ट्री, कहाँ ट्रेवल, जंगल में, जहाँ इसीलिए जूनॉटिक डिजीज बोलते हैं, मतलब जंगल वाइल्ड एनिमल से फैलने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया जो ऐसी जगह से आया हो, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 21 दिन का है, और ऐसा व्यक्ति जो संक्रमण ले के अपने शरीर में घूम रहा है 2 दिन पहले से इन्फेक्ट करने लगता है, जब उसके ब्लिस्टर्स बनते हैं उसके 2 दिन पहले से,
और तब तक इन्फेक्ट कर सकता है जब तक उसके ब्लिस्टर स्कैब फॉर्म में मतलब खुरंट बन रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति, इसको रेट्रोस्पेक्टिव ट्रेसिंग हम कर सकते हैं, इस जिस व्यक्ति को दिल्ली में पकड़ा गया इसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली देखिए कहाँ कहाँ गया, कहाँ काम करता है, इसके मोबाइल लोकेशन से ट्रैकिंग कीजिए और तब पता चलेगा 100% ये किसी न किसी के संपर्क में आया था। और तीसरा मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, तो कहीं न कहीं से ये संपर्क में आया, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये आपको दिखाता है टिप ऑफ आइसबर्ग, एक केस दिखा है, इसका मतलब कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो और भी संक्रमित होंगे जो आने वाले समय में निकल सकते हैं। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे यहां पर एक और बड़ी खबर बता रहा हूं सर, मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने जारी किया अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। दक्षिण पूर्व एशियाई देश मंकी पॉक्स को लेकर निगरानी बढ़ाए, WHO ने कहा स्वास्थ्य उपायों को और मजबूत करने की जरूरत, WHO ने कहा वायरस काफी तेजी से फैल रहा है इसलिए सतर्क रहे, WHO ने कहा। मैं सीधे चलूंगा, ये खबर है साउथ एशिया की, अगर बात करें डॉक्टर अंशुमान सर, ये अब आप मुझे समझाएं साउथ एशिया अब कितना वल्नरेबल है, दिल्ली की ये खबर मुझे चिंता में डाल रही है। जी बिल्कुल, देखिए WHO ने भी जो अलर्ट जारी किया उसके दो वजह है। कोरोना में WHO को लोगों ने ब्लेम किया कि आपने देर कर दी अलर्ट जारी करने में, पहली वजह यह है। दूसरी, 1958 में मंकी पॉक्स का पहला दो केस डिटेक्ट हुआ था, तब से लेके अभी तक ऐसी हिस्ट्री कभी नहीं रही 75 कंट्री में फैला हो और इतने नंबर ऑफ केसेज हुए हों, 16,000 से ऊपर चले गए। ये दो वजह, भारत या साउथ ईस्ट एशिया के लिए ज्यादा चिंताजनक इसलिए है कि यह घनी आबादी का देश है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया पूरा का पूरा, अगर इसमें कम्युनिटी में ये वायरस आ गया तो ह्यूमन टू ह्यूमन ह्यूमन ट्रांसमिशन काफी तेजी से होगा। खास करके इमेजिन कीजिए मुंबई का धारावी, दिल्ली का सबर्ब एरिया, जहां पे स्लम में लोग एक एक घर में 10-10 20-20 लोग रहते हैं। सर एक और चीज है, ये क्या फेटल भी है और क्या ये वैसे ही चिकन पॉक्स की तरह मार्क्स भी छोड़ जाता है, ये क्या डिटेलिंग है इस पर सर? जी ये बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह लक्षण देता है, एडिशनल इसमें लिम्फ नोड्स मतलब गिल्टियां भी बनती है गर्दन में। लेकिन संजोग से जो साउथ ईस्ट अफ्रीकन वेरियंट अभी चल रहा है, दूसरा एक इसका कॉन्गो बेसिन वेरियंट होता है, साउथ ईस्ट अफ्रीकन वेरिएंट फेटल नहीं है, इससे जान पेच अभी तक कोई भी और क्या नहीं हुई। जैसे चिकन पॉक्स होने के बाद बॉडी पे मार्क्स पड़ जाते हैं वैसा छोड़ जाता है या मीजल्स की तरह होता है? जी इसमें स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स जैसा गहरा मार्क्स नहीं छूटता है, अनलेस कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऊपर से ना हो जाए तो ऐसा मार्क्स नहीं छूट रहा है, इसलिए उन मामलों में ठीक है। लेकिन निमोनिया कॉम्प्लिकेट कुछ केसेज में हुआ है, सीवियर निमोनिया हुआ है, अगर हमारे देश में कोरोना में अगर लंग डैमेज वाले मरीजों में ये मंकी पॉक्स हुआ और फेटल निमोनिया हुआ तो उनकी जान जाने का खतरा हो सकता है, इसलिए हमें एहतियातन तैयारी रखनी चाहिए। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ Money9 पर, अभी डाउनलोड करें।